नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है नीट 2019 के ऑफिसर आंसर की के बारे में और आंसर की चैलेंज के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आंसर की चैलेंज क्या होता है और आंसर की कब रिलीज होने वाला है। तो पहले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नीट 2019 का जो सेकेंड एग्ज़ाम रहेगी 20 मई 2019 को, उसके बाद ही आंसर की रिलीज की जाएगी। यह इन्फॉर्मेशन जो है खुद एनटीए के डायरेक्टर मिस्टर विनीत जोशी ने दिया है और यह इन्फॉर्मेशन जो है वैलिड है और ऑथेंटिक है। तो 20 मई 2019 के बाद एनटीए के डायरेक्टर ने कहा था कि ऑफिशियल आंसर की अवेलेबल होगा एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आंसर की अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही अपलोड हो जाएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब हम देख लेते हैं कि आंसर की को चैलेंज कैसे कर सकते हैं। चैलेंज का यह मतलब है कि आप एनटीए को एक लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे एनटीए के पास कि आपने जो आंसर की में ये आंसर भरा है वह गलत है, और आपको उसके साथ प्रूफ देना होगा कि एनटीए का जो आंसर है वह गलत क्यों है और इसके साथ यह सही आंसर क्या होना चाहिए। अब चैलेंज का प्रोसेसिंग आ जाएगा एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वह भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी जो है मुझे आपके साथ उसके बेसिक प्रोसेस शेयर करना है। तो मान लीजिए कोई आंसर गलत है एनटीए के आंसर की में, आपको एप्लीकेशन भरना है, आपको लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन सी जो है एनटीए ने लिखा है, लेकिन आपके हिसाब से ऑप्शन बी है, तो आपको वहां पर लिखना है कि एनटीए की तरफ से आंसर सी है, लेकिन आपको लग रहा है कि आंसर बी सही है। उसके बाद जो मैं आपको रिमार्क या रीज़न होगा, उस रीज़न में आपको क्या लिखना है ताकि एनटीए आपके अप्रूव कर दे, एनटीए जो है आंसर की चेंज करे। तो रीज़न में आपको पेज नंबर लिखना है, बुक नंबर लिखना है कि एनसीए के पेज नंबर 36 पैरा नंबर 2 में ऐसा लिखा गया है कि यह आंसर होना चाहिए। तो आप ऐसा कोट करके बताएंगे तो एनटीए आपकी बात मान जाएगा और आपका जो नेगेटिव मार्क्स है क्वेश्चन में वो हट जाएगा और उसके साथ ही आपको 4 मार्क्स जो है ऐड हो जाएगी। तो इस चैलेंज के रिगार्डिंग मुझे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना था और जैसे ही आंसर की आएगा मैं आपके साथ वीडियो में क्वेश्चन करके बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है और चैलेंज में आपको क्या लिखना है, क्या प्रूफ देना है ताकि आपके आंसर जो है सही हो जाए। तो वह सब जानकारी मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके वीडियो पसंद आए हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।